ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्थानों का नाम और स्थान अधिपति के ऊपर। ये स्थानों का नाम क्या है और स्थान अधिपति क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में एक बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए, तो आज हम बात करेंगे स्थानों का नाम और स्थान अधिपति का नाम। देखिए, जो ये कुंडली है, कुंडली का जो भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनके नाम जैसे कि लग्न है, उसका बाद वित्तीय है, भ्राता है, माता है, पुत्र, शत्रु, पत्नी, आयु, भाग्य, पिता और इच्छा पूर्ति तथा व्यय स्थान है। ठीक है, जैसे कि लग्न जो पहला भाव है उसे लग्न कहते हैं, जो द्वितीय भाव है उसे वित्तीय कहते हैं, तृतीय को भ्राता, चतुर्थ को माता और पंचम को कहते हैं पुत्र भाव, और षष्ठ को कहते हैं शत्रु भाव, और सप्तम को पत्नी, अष्टम को आयु और नवम को कहते हैं भाग्य तथा दसम को पिता, और ग्यारहवें भाव को कहते हैं मनुष्य इच्छाए, और तथा 12 नंबर भाव को कहते हैं व्यय स्थान। ये जो 12वें स्थान है, इसका जो भाव हम लोग कैसे ज्ञात करें, हम लोगों को हमेशा किसी एस्ट्रोलॉजर को आप लोग बोलते हुए सुनोगे कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ऐसे करके 12वीं भाव तक बोला जाते हैं। कुंडली की जिस स्थानों पे वो राशि पड़ता है, उसी स्थानों का मालिक वो राशि का अधिपति होता है। जैसे कि दसम भाव में अगर कन्या राशि पड़ता है तो दसम का जो अधिपति होगा वो बुध होगा। ऐसे अगर लग्न में सिंह राशि होता है तो लग्न का अधिपति होगा सूर्य देवता। इसके अलावा भी ये भाव का नाम है, जैसे कि केंद्र में जो है 1, 4, 7 और 10 नंबर जो भाव है इसे हम लोग केंद्र भाव बोलते हैं। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1, 1, 4, 7 और 10 भाव जो है इसे केंद्र भाव बोला जाता है, इसे केंद्र कहते हैं। और तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश जो भाव है इसे अपोक्लिम कहते हैं, तथा चतुर्थ और अष्टम को चतुरस्त्र स्थान कहते हैं, और जो पंचम और नवम स्थान है इसे त्रिकोण कहते हैं। और केंद्र स्थानों से जो ठीक दूसरे और दूसरे स्थान होते हैं, जैसे कि द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव, ये भाव को हम पंचम भाव कहते हैं। और जैसे कि नवम स्थान जो है, नौवा जो स्थान है इसे त्रिकोण कहते हैं। और तृतीय भाव, षष्ठ भाव और दसम भाव तथा एकादश भाव जो है, ये भाव को उपसय भाव कहा जाता है। और देखिए कि इन उपसय भावों स्थानों में, ठीक है, इन उपसय स्थानों के अतिरिक्त जो शेष ये 8 स्थान हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 12वां जो भाव है इसे अनुपसय भाव कहते हैं, यानी कि पीड़ा स्थान भी कहते हैं। देखिए कि
सिक्स हाउस एट हाउस और ट्वेल्थ हाउस को षष्ठ अष्टम और द्वादश भाव को त्रिक स्थान या दुस्थान भी कहते हैं। और इनमें से जो अष्टम स्थान है, ठीक है, इनमें से जो अष्टम स्थान है ये सर्वाधिक खराब स्थान या दुस्थान कहते हैं। इन दुस्थानों की अतिरिक्त भी अगर पहला भाव, दूसरा भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और सप्तम, नवम, दसम और एकादश भाव जो है ये सुगृह भाव कहलाते हैं। और जो षष्ठ सिक्स हाउस और ट्वेल्थ हाउस है इसे पतित भाव कहते हैं। और द्वितीय और सप्तम भाव जो है इसे मारक स्थान कहते हैं। और अष्टम और तृतीय जो स्थान है इसे आयु स्थान कहते हैं। ये जितने भी नाम हैं, ठीक है, जो कुंडली का बारह भाव है, ये सब का जो अलग अलग नाम है, ये महर्षि पराशर का जो श्लोक है उसमें ये दिखाई देता है। ये महर्षि पराशर के श्लोक में हमेशा प्रमाण्य होते हैं। तो आज हमने जाना कि जो स्थान है, ठीक है सर, स्थानों का नाम और स्थानों का अधिपति कौन होगा इसके बारे में आज हमने जाना। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए जब भी हम लोग कुंडली विश्लेषण करेंगे ये भाव जो है ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम बातें करेंगे कि धन भाव के बारे में, फिर शत्रु भाव के बारे में, ठीक है, ये कोई ग्रह उपसे भाव में बैठा हुआ है तो कैसा रिजल्ट होगा, ये सब जो भाव है ये जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन लोगों के लिए याद रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जो आसान और सरल भाषा में होगा ये आप लोगों के सामने लाने के लिए मैं हमेशा रहूँगा। और इसके लिए आप लोगों को करना होगा क्या, मेरा वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं आपके लिए बढ़िया एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक वीडियो है वो लाता रहूं। धन्यवाद।